कोरोना पेंडेमिक आने के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस आने से पहले क्या किसी ने सोचा था कि एक ऐसी गुमनाम बीमारी आएगी और दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी ले जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से करीब 500 साल पहले एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी आई थी जिसकी चपेट में आने के बाद लोग नाचते नाचते अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि डांस करते करते कोई कैसे मर सकता है। लेकिन यह सच है कि लोग डांस करते करते मर गए। दरअसल साल 1518 में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग, जिसे अब हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, जहां एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें लोग अपने आप नाचने लगते थे और नाचते नाचते ही उनकी मौत हो जाती थी। 500 साल पहले आई डांस की इस महामारी ने फ्रांस में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इस महामारी की वजह से करीब 400 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 1518 फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में अचानक एक महिला ने नाचना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद भी वो महिला ऐसे ही नाचती रही। एक हफ्ते के अंदर करीब 100 और लोगों को नाचने की तलब होने लगी। उस वक्त वहां के ऑफिसर्स को लगा कि इस बीमारी का इलाज भी दिन रात नाचने से ही होगा। उन लोगों को अलग कर एक हॉल में ले जाया गया। डांस कंटिन्यू रखने में मदद करने के लिए वहां बांसुरी और ड्रम बजाने वाले लोगों को बुलाया गया। प्रोफेशनल डांसर्स को पैसे दिए गए ताकि लोगों का हौसला बना रहे। लेकिन कुछ ही दिनों में कमजोर दिल वाले लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1518 के लास्ट तक करीब 400 लोग इस पागलपन का शिकार हो चुके थे। आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और इस दौरान 30 से ज्यादा लोग डांस करते करते मर गए थे। इस इंसिडेंट से पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया था और लोग काफी डर गए थे। इसके बाद फ्रांस के कई इलाकों में ऐसे ही लोगों के डांस करते करते मरने की खबरें सामने आने लगी। लोगों के डांस करते हुए मरने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही किसी के डांस करने की न्यूज सामने आती थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता था। सितंबर की शुरुआत में ये बीमारी खत्म होनी शुरू हुई। फ्रांस के इस रहस्यमय घटना के बारे में उस दौर के वैज्ञानिकों ने जमकर रिसर्च किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई भी सही कारण पता नहीं लग पाया था और वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। धीरे धीरे अपने आप ही ये बीमारी खत्म हो गई थी। आज इस बीमारी के 500 साल बीत जाने के बाद वैज्ञानिक इस बीमारी के रहस्य का पता नहीं लगा पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।